तो दोस्तों, अगर आप कम बजट में एक बढ़िया पावर बैंक की तलाश कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक पावर रॉक्स के ब्रांड की तरफ से आने वाले एक पावर बैंक की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए और साइड में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं इस पावर बैंक को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पावर बैंक दो कैपेसिटी के साथ आता है, जो है 10,000 mAh और एक 15,000 mAh। तो मेरे पास फिलहाल है अभी 10,000 mAh, तो मैं इसे अनबॉक्स करूंगा। साथ ही इसमें आपको एक पावर इंडिकेटर भी मिलता है जिसमें आपको बैटरी की परसेंटेज स्क्रीन पर शो होती रहेगी। तो पीछे की तरफ बॉक्स से देखें तो यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स लिखे हैं। जो बैटरी टाइप है वो लिथियम बैटरी है। इसमें mAh की बात करें तो 10,000 mAh है और 15,000 mAh के साथ भी आता है। पावर आउटपुट उसमें 2 और 3 पोर्ट मिलते हैं, तो मेरे पास है शायद 2 पोर्ट वाला। और इसकी रेटिंग की बात करें तो आपको 5W 1 एम्पेयर का सपोर्ट मिलता है और जो दूसरा उसमें 5W 2 एम्पेयर का सपोर्ट मिलता है। तो दोनों पोर्ट में अलग अलग पावर है, एक में 5W 1 एम्पेयर, एक में 5W 2 एम्पेयर। तो इसको बॉक्स को ओपन करते ही हमारा पावर बैंक मिल जाता है। इसकी वेट की बात करें तो काफ़ी भारी है, पर लेकिन इस प्राइस में आपको बेस्ट पावर बैंक मिलता है 10,000 mAh में। तो इसके साथ हमें एक वायर मिलती है और साथ में मिलता है हमें ये पावर बैंक। तो यहाँ से इसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यह अनबॉक्सिंग का बेस्ट पार्ट। तो 4 कलर में आपको मिलता है, जो कि एक व्हाइट, ब्लैक, ग्रे और ब्लू। तो जो हमारे पास है वो है व्हाइट कलर में। नीचे आपको पावर रॉक्स की ब्रांडिंग मिलती है और ये काफ़ी हैंडेबल है, पोर्टेबल है। तो फिलहाल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे 3 इंडिकेटर लिखे हैं जिसमें एक में 100%, 75% और 50% और 25%। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है और साथ में आपको 2 पोर्ट मिलते हैं, साथ में एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है। आप इसे नॉर्मल इससे चार्ज कर सकते हैं। तो आप इसे एक अडेप्टर में लगा के चार्ज कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे अपने फ़ोन को कितनी बार चार्ज कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तो अभी मैं आपको इसका टेस्ट दिखाऊंगी कि ये फ़ोन को कितनी बार चार्ज करता है। तो दोस्तों, एक चीज़ जो मैंने इसमें सबसे लास्ट में ध्यान दी कि इसमें आपको एक USB, इसके अंदर आपको एक बिल्ट इन लाइट भी मिलती है, LED लाइट। तो यहाँ पे आपको जो पावर बटन है इसमें आपको उसे दबाए रखना है। तो दबाए रखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आगे लाइट जल गई है। तो इसमें आपको 2 पोर्ट के साथ एक लाइट भी मिलती है। ब्राइटनेस तो इसकी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इसे नॉर्मली अगर आपको लाइट की ज़रूरत है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसकी बैटरी है 100%। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस पावर बैंक के रिव्यू की। तो इससे मैंने इसे एक बार फुल चार्ज करने के बाद यहाँ पे अपने दोनों डिवाइस चार्ज कर लिए हैं। जो एक फ़ोन है वो है कार्बन का, जिसकी बैटरी की बात करते हैं उसमें आपको 2200 mAh की बैटरी मिलती है। और जो दूसरा फ़ोन है वो है मेरे पे MI Note 5, इसकी बैटरी की बात करते हैं उसमें आपको 3300 mAh की बैटरी मिलती है। उसके बाद भी इसमें यहाँ पे 25% कुछ बैटरी बच रही है। तो जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है Redmi 4, जिसकी बैटरी की बात करते हो 4000 mAh की बैटरी है, जिसमें जो कि ये पावर बैंक मेरे फ़ोन को 2 बार चार्ज कर देता है। तो अब बात करते हैं इसके पावर आउटपुट की। तो इसका जो टोटल पावर आउटपुट है वो मेरे को 8 से 8500 के बीच में जो इसने टोटल आउटपुट दिया है, तो जो बाकी का है वो ट्रांसफर के थ्रू वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे इसका कोई फिक्स चार्जिंग टाइम नहीं दिखाया है, क्योंकि हर बार अलग अलग टाइम पे फुल चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है। अगर आप भी इस पावर बैंक को खरीदना चाहते हैं तो उसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसे वहां से खरीद सकते हैं। तो आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही टेक अपडेट देता रहूँगा।